देवरानी द्वारा रची गई जेठानी के भाई के साथ आपराधिक घटना का षड्यंत्र के तहत 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने तथा नहीं देने पर हत्या की धमकी देने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस और स्वाट टीम ने मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त में उत्तराखंड के ऊधम सिंह जनपद थाना खटीमा निवासी जावेद पुत्र गयासुद्दीन, अंकुर वर्मा पुत्र राम बिहारी वर्मा और श्रीनाथ वर्मा उर्फ शिवनाथ वर्मा पुत्र चंचल वर्मा शामिल हैं। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में जावेद अपने शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसके जेठानी के भाई के से 5 लाख की रंगदारी मांग रहा था। पुलिस की तफ्तीश में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। एक मामला इसमें हमारे सामने 9 तारीख को कपिल मुनि निषाद पुत्र फूलचंद निवासी ने हमारे यहाँ थाने में तहरीर दी थी कि उनको किसी फ़ोन नंबर से धमकी आ रही है, 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। तो उस पर हमारी पूरी टीम लगी, क्राइम भी लगी और उसमें एक रंगदारी टाइप का भी मसला था। तो इस धमकी के संबंध में कैंट में अपराध संख्या 48/2019 धारा 386-507 इत्यादि के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था और इसमें घटना का खुलासा हो गया है। जो फिरौती मांगने वाले लोग थे वो आज फिरौती लेने के आए थे और हमने उन तीनों को ही दबोच लिया है और उससे फिर बाद में ये पता चलता है कि उनके ही कुछ रिलेटिव्स थे आपस में जिनमें खींचतान थी और वो इस तरह से उनको धमका करके पैसे वसूलने के चक्कर में थे। तो ये भी एक तरह की ऐसी वारदात थी जिसमें सनसनीखेज में वो उनके परिजन जो वहाँ दिल्ली में काम करता है, एक प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद पर कार्यरत है, उसका लड़का, उसको मारने की वो धमकी दे रहे थे कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का जो दिल्ली में रहता है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक बड़ा सीरियस मसला था इस तरह का। तो इसको भी पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे फिलहाल के लिए, अभी उसके लिए टीम भेजी जा रही है। चूँकि यहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं, महिला के लिए भी टीम लगी है, वो रिलेटिव ही है इनकी, जिसके जो चूँकि अभी ये प्राथमिक जांच में जब हम पकड़ा गया है तो इन्होंने अपना कबूला है कि ये किसकी शह पर किसकी वजह से यहाँ पर ये काम करने आए थे।